छात्र आज का वीडियो है क्लास 10 के संस्कृत से, और संस्कृत से मात्र दो प्रश्न बताएंगे आपको हम, जो खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो इसका आप सटीक आंसर लिखिएगा। जिस प्रकार एक बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को त्याग कर ब्रह्म अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। और जिस प्रकार नदी को अहंकार नहीं होता, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग को भी अहंकार नहीं होता, फलस्वरूप वे ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यही है नदी और विद्वान में समानता। तो यहाँ पे लिखिए, जिस प्रकार एक बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार एक विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर ब्रह्म अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ये है नदी और विद्वान में समानता। आगे लिखिए, जिस प्रकार नदी को अहंकार नहीं होता, उसी प्रकार एक विद्वान को भी अहंकार नहीं होता है, फलस्वरूप वे ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यही इसका सटीक आंसर है। अगर पूछा जाए नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो आप आंसर लिखेगा, जिस प्रकार एक बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार एक विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर ब्रह्म अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जैसे एक बहती हुई नदी, जब तक वो अकेले बहती है अपने नाम से जानी जाती है, यदि वो समुद्र में मिल गई तो क्या उस नदी के नाम से हम जानते हैं? नहीं, उस नदी के नाम से हम नहीं जानते हैं, बल्कि समुद्र के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आगे देखिए, जिस प्रकार नदी को अहंकार नहीं होता, उसी प्रकार एक विद्वान को भी अहंकार नहीं होता। एक नदी को अहंकार नहीं होता, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग को भी अहंकार नहीं होता, फलस्वरूप वे ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और इसका परिणाम ये है कि विद्वान लोग ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है, तो इसका आप आंसर लिखेगा, नीलकमल की पंखरू की तरह विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। वह श्याम वर्णा थी किंतु उसकी कृतियों ज्योतिर्मय थी। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर ही दंडी कवि ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। यहाँ पे लिखिए आंसर टू का, यहाँ पे लिखिए या उत्तर लिखिए, उत्तर टू, ठीक है, उत्तर टू। यहाँ पे लिखिए नीलकमल की पंखुड़ियों की तरह विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन
कला की आभा आभा बिखेरती 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 हैं। फुल स्टॉप दीजिए। वह श्याम श्याम वर्णा वह श्याम वर्णा थी वह श्याम वर्णा थी किंतु किंतु उसकी उसकी कृतियों उसकी कृतियों कृतियों ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय थी। एक एक असाधारण असाधारण एक असाधारण लेखिका लेखिका एक असाधारण लेखिका ठीक है। आगे लिखिए की पराकाष्ठा पराकाष्ठा से प्रभावित से ठीक है से प्रभावित प्रभावित होकर होकर प्रभावित होकर ही दंडी कवि ने उसे दंडी कवि ने उसे सर्वशुक्ला सरस्वती सॉरी यहाँ नहीं यहाँ देना ठीक है सरस्वती कहा है ये इसका सटीक आंसर है। अगर पूछा जाए विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है तो आप इसका आंसर लिखिएगा नीलकमल की पंखरों की तरह विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। वह श्यामवर्णा थी वह श्यामवर्णा यानी कि काली थी तो उसकी कृतियां ज्योतिर्मय थी अर्थात ज्योतिर्मय थी उसकी कृतियां ठीक है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर ही दंडी कवि ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है।